अब हम इसमें रिफ्रेश किया और सबस्टेंस प्रिंटर ओपन करते हुए अब हम मैं बताना चाहता हूँ कि अब टेक्सचरिंग कैसे करनी है हमें। तो ये हमारा सबस्टेंस प्रिंटर सॉफ्टवेयर जो है वो ओपन हो चुका है और मैं इसमें पहले के कुछ बने हुए अपने इन्हें मैं 4096 पे मैंने किया था मॉडल को, तो मैं इसे थोड़ा कम कर देता हूँ अभी। तो ये मैं जो येलो वाला पार्ट था, रेड वाला पार्ट था, इनको सबको अलग कर लिया था। जो येलो वाला पार्ट है हम उसे उसकी ओबीजे को इंपोर्ट कराएंगे। मैं आपको एक किसी पार्ट पर बता देता हूँ कि कैसे टेक्सचरिंग मैंने की थी, तो आप भी वैसे यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा रस्टेड नहीं बनाना है हमें, क्योंकि ये कैरेक्टर है तो इतना ज़्यादा रस्टेड नहीं बनाना है। सिर्फ नॉर्मली हल्का सा टचअप देना है कि ये थोड़ा सा पुराना दिख रहा है। तो हमें इस पर शेडर्स अप्लाई करने होंगे। अब हमें क्या करना है, चेक करना है प्रॉपर कि कोई भी पार्ट की जो फेस नॉर्मल्स होते हैं वो उल्टे तो नहीं है। तो क्लियरली कोई भी नॉर्मल उल्टा नहीं है। अब हमें इसमें से दो गोल्ड है मेरे पास, अब मैं यहाँ से गोल्ड को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद हम टेक्सचर की बैकिंग करेंगे। तो मुझे ये आईडी मैप नहीं चाहिए और मैं इसका साइज कर दूंगा 2022K और इसे बैकिंग करेंगे। टेक्सचर बैक हो रहा है। ये हमारा टेक्सचर बेक हो जाता है, उसके बाद हम इसमें किसी भी तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको सबस्टेंस प्रिंटर में यही करना है कि टेक्सचर को बैक करना है। जो हमने साइज दिया है उसी साइज पर ये टेक्सचर काम करने लग जाते हैं। जैसे हमने 2K का साइज दिया है, तो ये गोल्ड हमारा है, आर्मर दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे इसमें से रफनेस नहीं चाहिए, तो हम इसका जो रफनेस वाला ऑप्शन है इसे ऑफ कर देते हैं। ये देखिए रफ करने पर ऐसा दिख रहा है, पर मुझे इसमें रफनेस नहीं चाहिए, मैं रफनेस हटा दूंगा। मुझे इसकी हाइट भी नहीं चाहिए। ग्रेन्स के लिए शायद ये हो सकता है, इसे अप्लाई करके देखता हूँ। पर इसने शायद गोल्डन टेक्सचर को भी उसके जैसा ही बना दिया है, तो मुझे अंडू करना पड़ेगा। ठीक है, टेक्सचर तो वैसे, पर एक बार अंडू कर लेता हूँ मैं। स्टिल रफ ले लेते हैं हम, अंडू करना होगा और इस बार इस लेयर के थोड़ा ऊपर डालना होगा। तो ये हम देख सकते हैं टेक्सचर जो स्टील वाला है काफ़ी थोड़ा रफ़ है, तो हम चाहते हैं कि इसकी जो रफनेस है इस मटेरियल की वो इस गोल्डन वाले में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ब्लैक मास्क करेंगे। ब्लैक मास्क करने के बाद ब्रश जो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, डर्टी ब्रश, और ये डस्ट हम इसमें ऐड कराएंगे, इसकी ये फ्लो वगैरह, ओपेसिटी वगैरह, ब्रश का साइज यहाँ से आप सेट कर सकते हो। मैं हल्की हल्की सी डस्ट इसमें यूज़ कर रहा हूँ, हल्का हल्का ब्रश चलाना है आपको, ज़्यादा भी इसको डर्टी नहीं करना है हमें, बस नॉर्मली लगना चाहिए कि हल्का सा इसमें डर्ट है। ब्रश को थोड़ा छोटा करा मैंने साइज इसका,
मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी हल्का ब्रश चलाऊंगा कि इसका मास्क भी थोड़ा डर्टी दिखना चाहिए। हमें हल्का हल्का सा इस पे काम करना है, ज़्यादा भी हार्ड वर्क इसके ऊपर नहीं करना है। को सिर्फ ये येलो पार्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी के रेड पार्ट और जो सिल्वर वाला है वो आपको इसको देखकर कर लेना है। इसमें जैसा मैं काम कर रहा हूँ वैसा ही सेम उसमें भी करना है। और काफ़ी हल्का हल्का सा इसमें आपको डर्ट डर्ट यूज़ करनी है। ये वाला टेक्सचर यूज़ करूँगा सबसे पहले, तो ये इसका जो येलो पेंट है मैं इसे डिलीट कर दूँगा क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड के ऊपर ऐसा डर्ट चाहिए। इसी मैंने डिलीट किया, गोल्ड के ऊपर ऐसी डर्ट आ गई। पर ये बहुत ज़्यादा ही गंदी लग रही है, इतना भी हमें गंदा नहीं करना है इसे। मैं क्या इसे चेक कर रहा हूँ कि कौन सी लेयर में ये डर्ट ऐड है, ये वाली लेयर में डर्ट है तो मैं इस वाली लेयर से थोड़ी डर्ट कम करूँगा या तो इसे हटा ही दूँगा। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है इसे हटा देना चाहिए क्योंकि ये इतना ज़्यादा लेवल पर नहीं मुझे चाहिए ये। मैं इसे हटाना ही चाहूँगा, मुझे ये ठीक नहीं लग रही है। हल्की सी इसे करने के लिए पैरामीटर्स है उसमें हम कम कर सकते हैं, पर मुझे ये वाली डर्ट ऐड नहीं करना है इसमें। आप चाहें तो आप रख सकते हैं। हाइट चेक कर रहा हूँ, कलर ऑप्शन है, यहाँ से आप डर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ कि इसे हटाई देना चाहिए क्योंकि मुझे ये डर्ट कुछ खास नहीं लग रही है। मुझे इसका वो ऑप्शन मिल नहीं रहा है कि वो वेरिएशन चेंज करने वाला। चलो ठीक है, इसे हटा देता हूँ कि अगर हम दूसरी डर्ट यूज़ करेंगे। ये जहाँ तक है इसके ऊपर डर्ट हमने ऐड कर ली है, जो सिर्फ ऐसा लगना चाहिए टेक्सचर पे कि सिर्फ डर्ट लगी हुई है। अब हमें इसमें थोड़ी सी हाइट वाली डर्ट यूज़ करनी होगी, इसमें हाइट होगी हल्की सी, तो मैं इस स्टील को यूज़ करूँगा इसमें। इस स्टील में जो डर्ट है मैं इसी डर्ट को इस गोल्ड पर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी बेस वाली लेयर को डिलीट कर दूँगा, तो जो भी इसकी डर्ट होगी वो गोल्डन वाले टेक्सचर के ऊपर आ जाएगी। इसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आ गई है। आप थोड़ा गोल्ड का कलर चेंज भी कर सकते हैं, हालांकि ये कलर के लिए आपको इसमें कुछ भी कलर के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं करने क्योंकि सारे चेंजेस कलर के आप इसका जो पास निकलेगा माया में, कलर पास जिसको बोलते हैं, उस कलर पास के जरिए हम ये गोल्डन को किस कलर का बना सकते हैं हम उससे कलर करेक्शन लास्ट में कर सकते हैं। तो हमें अभी कलर के ऊपर ध्यान देना ही नहीं है। आप कलर भले ही यहाँ पर ब्लू कलर ले लो तो भी मैं इसे बाद में गोल्डन बना दूंगा क्योंकि बाद में लास्ट में एडिटिंग में होता है ये सब। तो आप नॉर्मली एक बेस कलर ले लो गोल्डन से मिलता जुलता, जो मैंने नॉर्मली आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिख रहा है वो मैंने ले रखा है यहाँ पर। और आपको इसकी मॉडलिंग के ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने हैं कार मॉडलिंग के, तो आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन पे शो कर रहा होगा कार का ट्यूटोरियल, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। और अगला जो आई बटन आने वाला है
वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर ही लेफ्ट साइड में। यह आयरन मैन की जो पूरी मॉडलिंग का ट्यूटोरियल है वो इस आई बटन में दिख जाएगा आपको। हालांकि मैंने इसकी यूवी अनरैपिंग पर कोई ट्यूटोरियल नहीं बनाया था, कुछ नहीं है, नॉर्मली आपको यूवी सॉल्व करनी है, उसके लिए कभी और मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो हमने ये कैसे यूज़ करा है ये आप देख सकते हैं। जनरेटर मैंने लगाया, सबसे पहले ब्लैक मास्क रखा और जनरेटर ऐड करने के बाद हम इसमें कॉर्नर वाली डिटेलिंग दे रहे हैं। हम इसके वियर लेवल को कम करेंगे जिससे कि कॉर्नर पर जो स्टील के स्क्रेचेस आ रहे हैं वो थोड़े कम दिखें हमें। हमें क्या करना है कि जो स्क्रैचेस हैं इन्हें वेरिएशन देने के लिए स्केल है, कंट्रास्ट है, स्केल करेंगे तो इनमें वेरिएशन आएगा। और ये जो स्क्रैचेस है वो अनइवन दिख रहे हैं जिससे कि काफ़ी रियलिस्टिक ये लग रहा है, दिख रहा है हमें। या आप यहाँ से वेरिएशन चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी चेंज किया। मैं एक नई लेयर ऐड करूंगा, हमें इसमें कुछ स्क्रैचेस ऐड कराने होंगे। ब्रशेस में जाके मैं ऐड करता हूँ इसमें से, ये एक स्क्रैचेस है, ये मुझे काफ़ी पसंद है ये वाला स्क्रैच, खास तौर पे आयरन मैन वाले मॉडल के ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है। इन्हें ज़्यादा नहीं, हल्का सा हमें देना है, अधिक पार्ट्स पर ये देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पार्ट्स पर ही हमें ऐड कराने। क्योंकि देखो डिज़ाइनिंग का मतलब ही वही है कि आप जितना जहाँ आवश्यकता है बस वहीं वो चीज़ को करो। हर आप जाओ कि ये ब्रश को ले लिया आपने, हर एक पार्ट पर ये डिटेलिंग देनी है तो ये ठीक नहीं है। कुछ कुछ खास हिस्सों पर आप ऐसे स्क्रैचेस या डिटेलिंग दे सकते हैं। इस सब पे आप कर दोगे तो वो एकदम खिचड़ी पक जाएगी वहाँ पर, तो वो हमें नहीं करना है। कुछ ही हिस्सों पर हमें स्क्रैचेस देने होंगे। यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कोई सा एक और मटेरियल यूज़ करना चाह रहा हूँ। ये जो मटेरियल्स हैं ये डस्ट के लिए हैं, आप चाहो तो यहाँ पे डस्ट ऐड करा सकते हो, तो आपको कुछ नहीं है, नॉर्मली ये डस्ट के मटेरियल को ऊपर रखना है और इस पर चढ़ाना है वाइट मास्क। ये डस्ट का मटेरियल पूरे मॉडल पर अप्लाई हो गया है। अब हमें इसमें से हाइट को कि कोई आवश्यकता नहीं, हाइट नहीं चाहिए, रफनेस भी नहीं चाहिए, का लेवल्स है, अब चाहो तो इसे रख सकते हो। वाइट मास्क ऐड कराऊंगा इसमें। जनरेटर लिया मैंने और जनरेटर में इस बार हम ये वाला जनरेटर यूज़ करेंगे। ये वाला काफ़ी ठीक लग रहा है। ये जो स्क्रेचेस आप देख रहे हैं ये अधिकतर होते हैं आयरन मैन के मॉडल्स में, पर बहुत कम दिख रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजअप शॉट जो रहता है उसमें ही हमें दिखते हैं। तो हमें इसकी जो वेयरिंग है इसे बहुत कम रखना होगा ताकि ये क्लोजअप्स में ही दिखाई दे, जैसे इतना, इससे भी हल्का, बस इतना हम इसे रख सकते हैं बस, ताकि बहुत ज़्यादा ही अब क्लोज आए हैं आयरन मैन के कैमरा, तो
ऐसे स्क्रैचेस हमें दिखाई दें उसके पास। देखिए बढ़ाने पर क्या हो रहा है और कम करने पे क्या हो रहा है, ये पूरे पार्ट्स पर हो सकते हैं, इसमें कोई भी मेन पार्ट नहीं है, पूरे पार्ट पर दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और या तो आप अलग अलग हिस्से पे काम करना चाहते हो तो यहाँ पर लेयर्स का ऑप्शन भी है। मैंने ये पूरा मॉडल ग्रुप करके इम्पोर्ट कराया था, इसलिए पूरे ग्रुप पर काम हो रहा है इसमें, कि मुझे किसी पर्टिकुलर पार्ट पर काम करना नहीं है। तो ये जो हमारा मॉडल है, अब कुछ हद तक उस टच तक आ गया है कि जो स्क्रेचेस वगैरह हमने क्लियर कर लिए हैं यहाँ से। मैं चाहता हूँ कि थोड़े बहुत और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें की जाए। ये वाला मटेरियल यूज़ करते हैं इसके ऊपर। हाँ, इसकी जो रफनेस है वो हमें चाहिए, इसकी हाइट भी हमें चाहिए। क्या करेंगे, चेक करेंगे इसे, हाइट भी काफ़ी सही है, क्योंकि इस तरह का रस्टेड हमें दिखाना होगा। सेम वही काम करना है आपको, कोई भी मटेरियल की रस्टनेस रफनेस जो भी चाहिए तो उसकी बेस लेयर को आप डिलीट कर दो। स्मार्ट मटेरियल्स में ये ऑप्शन आता है, और जो मटेरियल्स जो रहते हैं वो आपके खुद आपको बनाने होते हैं, और स्मार्ट मटेरियल बने बनाए रहते हैं, तो उनमें बस बेस लेयर को हटा के आप उसकी वियरिंग रफनेस ग्रंजनेस जो भी आप जितनी भी लेना चाह सकते हो उसमें ऐड करा सकते हो, जो जैसा मैंने किया है इसके अंदर। ये स्टील को ऐड कराऊंगा, मैंने ब्लैक मास्क लिया है यहाँ से, मैंने स्टील लिया है ओनली स्क्रैचेस के लिए, इसलिए आप देख सकते हैं मैं इसका ब्रश का साइज थोड़ा छोटा रखना चाहता हूँ। ठीक है, अभी एक आध स्क्रैचेस बड़ा भी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत स्क्रैचेस चलाना चाहूँगा। बहुत लो लेवल पर ये दिखाई दे रहे हैं, तो मैं थोड़ा से और दूसरे ब्रश का यूज़ कर लेता हूँ। ज़्यादा ही हमें स्क्रेचेस ऐड नहीं कराने हैं इसमें, कुछ हद तक दिखने लायक जो दिखे बस उतने ही। आप चाहें तो एक जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। जैसा मैंने इसमें यूज़ किया है, देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि गोल्डन कलर निकल गया है उसका। और ब्रशेस का काम है इसमें, वो आप नॉर्मली समझ के अच्छे से कर सकते हैं इसे। जितना ज़्यादा आप डबल डबल एक ही जगह पर करेंगे उतना ज़्यादा ये सिल्वर होता जाएगा, इसलिए कर रहा हूँ मैं। जितना प्रेशर करेंगे ब्रश का उतना ज़्यादा, लगभग हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया है। टेक्सचरिंग हमें ज़्यादा टेक्सचर नहीं करना है इस मॉडल के ऊपर, क्योंकि कैरेक्टर का रियल टच दिखना चाहिए कि वो मॉडल कैसा शेप लिया हुआ है, तो उस हिसाब से आपको उतनी ही टेक्सचरिंग उस पर करनी है, ज़्यादा भी नहीं करना है टेक्सचर।
यदि आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखे, पर वेरिएशन ज़्यादा दिखानी है तो आपको वैल्यू काफ़ी कम रखनी होगी, ज़्यादा भी उखड़ा हुआ मॉडल नहीं दिखना चाहिए। नॉर्मल मैप या हाइट का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है हमें इसमें। हाँ, ये टेक्सचर भी काफ़ी काम का है, और इसकी हमें रफनेस चाहिए। पर ये बेस लेयर में ही ऐड है ये रफनेस। मैं एक बार देखता हूँ कि शायद इसका कलर चेंज करने से कुछ होता है इफेक्ट। मुझे इस वाले का पता नहीं है कि कैसे इसे करना है, पर देखते हैं, नहीं तो इसे हटा देंगे। ठीक है, ये वाली लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसका कलर से मैं गोल्डन करता हूँ तो क्या होता है? गोल्डन कर तो दिया, पर जो इसके नीचे जो हमने डिटेलिंग की थी वो सब गायब हो गई है, तो मुझे यही ज़रूरी है कि इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। हमारी ओरिजिनल लेयर इसमें दिख रही है। ठीक है, मॉडल काफ़ी हद तक उस आउटपुट तक आ गया है, उसमें ज़्यादा भी छेड़ना नहीं है हमें इसे। एक और मटेरियल मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। यदि आपको डस्ट चाहिए, धूल वगैरह चाहिए जो कई बार मॉडल्स के ऊपर रहती है, तो उसके लिए आप एक कंक्रीट यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है आपका, तो इसमें आप हल्की सी कंक्रीट ही यूज़ करो तो ज़्यादा काफ़ी बेटर होगा। देख सकते हैं डस्ट इसके ऊपर दिखाई दे रही है। आपको ऐसा कुछ मॉडल बनाना हो कि कुछ उसके ऊपर गिर गया है, कुछ चिपक गया है, तो वो आप इस तरह से टेक्सचर करके उसे कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना हमारा मॉडल कंप्लीट हुआ। यदि आप चाहते हैं कि ये डस्ट आपको रखनी है तो आप ये लेयर पर काम कीजिए, और नहीं रखनी है तो इस लेयर को आप डिलीट कर सकते हैं। और जो भी है इनके टेक्सचर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्टिंग के लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा। यदि आप यूट्यूब पर कहीं और वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें सब्सटेंस पेंटर में एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड।